एंड आज धनतेरस है गाइज, आप सभी को आपके परिवार वालों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारा पहाड़ी गीजर है गाइज, चूल्हे में पानी गर्म करते हैं देन नहाते हैं। गाइज मैंने अपनी दिल्ली कंप्लीट कर ली है। मैंने यहाँ पर गाइज लक्ष्मी माता जी के पैर बना रखे हैं और इधर से बना रखा है हाथी, नीचे से थोड़ा सा ग्रासलैंड बना रखा है। एंड मम्मी ने बाहर पुताई करने का पूरा टब बना रखा है। इधर की ये जो बाहर बाहर की दीवार है ना, ये भी मम्मी ने कर रखी है सारी। एंड किसी को मिठाई लेके आनी होगी आ जाना, फोन कर देना या फिर मैसेज कर देना, मैं घर पे मिलूंगा आपको गाइज। हे गाइज, वेलकम बैक टू रीजन सोनी ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही गाइज अपने होम टाउन रामनगर से। एंड आज धनतेरस है गाइज, आप सभी को आपके परिवार वालों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास हो। मम्मी लक्ष्मी का वास होता है ना धनतेरस में? अभी आपको दिखाऊंगा मम्मी ने मेरे आने से पहले किया क्या है। अभी मम्मी यहाँ से पर्दों का डंडा निकाल रही है। दीदी है नहीं छोटी वाली, तो वो थोड़ी हेल्प कर देती है मम्मी की, तो मैं थोड़ा सा कर लूंगा गाइज जितना मेरे से होगा। एंड पर्दे सारे निकाल दिए नीचे और अभी ये पर्दे धुलेंगे देन फिर लगेंगे गाइस। एंड जब मैं आया गाइस कल सुबह 5 बजे आया मैं, तब मम्मी पुताई कर रही थी। भाई मम्मी ने रातों रात पूरी दीवार निपटा दी बाहर की। इस बार अंदर मम्मी पुताई नहीं कर रही है, बाहर ही कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी दिवाली होती भी नहीं है, तो फिर साफ सफाई करना तो जरूरी होता है ना। हमारी एक बड़ी दिवाली के दिन दादी जी एक्सपायर हो गई थी, तो तब मैं छोटा था, आई थिंक मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तब से हमारे यहाँ बड़ी दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। वो फूल तोड़ने गई थी उस समय फूलों की माला बनाने के लिए, एंड उन्हें खेत में सांप ने काट लिया था। तो तब से ऐसा कहते हैं हमारे वहाँ कि या तो कोई गाय का बछड़ा या बछड़ी पैदा नहीं होती या फिर इंसान का बच्चा पैदा नहीं होता तब तक वो त्यौहार छूट जाता है। तो आई होप कि इन द फ्यूचर हम लोग दिवाली बनाएंगे। दिवाली तो होती नहीं है। नहीं होती, तभी तो मैंने बता दिया क्यों नहीं होती। सफाई बनती है। और मैं ना दिवाली के जस्ट 1 हफ्ते बाद हुआ था शायद, सब मेरी आस में थे कि ये बंदा दिवाली के दिन ही पैदा होगा, बट मैंने भी थोड़ा डिले कर दिया था, है ना मम्मी? और यहाँ पर पापा हैं, पापा को तो ड्यूटी जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए पापा पहले यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पापा ही कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, फिर पापा चले जाएंगे। एंड गाइस लक्कू भाई के यहाँ पटाखे देखो कल ही लेके आ रखा है। एंड कल धनतेरस नहीं था, धनतेरस आज है, कह रहा आज भी लेके आऊंगा, फिर छोटी दिवाली फिर बड़ी दिवाली, ये तो कम लेके आ रखा हूँ बोल रहा है, फिर और लेके आऊंगा अभी। पापा बहुत पैसा आ रहे हैं लक्कू के पास, पैसा जमा है भाई, कई दिन से जमा कर रखा अपने पैसे। एंड मम्मी ने बाहर पुताई करने का पूरा टब बना रखा है, यहाँ पर से मम्मी बाल्टियां भर रही है फिर लेके जा रही है। अकेले मम्मी ने भाई ये वाली दीवार भी कर दी इधर की, ये जो बाहर बाहर की दीवार है ना, ये भी मम्मी ने कर रही है सारी। अब मम्मी के यहाँ पर्दे धुलने लग गए। एंड गाइस यहाँ पर चूल्हा भी चल रहा है हमारा, ये हमारा पहाड़ी गीजर है गाइस, चूल्हे में पानी गर्म करते हैं देन नहाते हैं। आपको पता है गाइस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अब कितने लोग बोलेंगे कंजूस हैं, भाई कंजूस नहीं मेहनत है ये, गैस है अंदर उसमें खाना वगैरह बनता है, सुबह पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं इसमें, जब व्यवस्था है अपने पास तो काई को पैसे खर्च करने हैं। एक गीजर यहाँ है गाइस, देख रहे हो पहाड़ी गीजर, और एक गीजर बाहर है, ये देखो है, ये देखो भाई बाहर मम्मी ने खेती बाड़ी भी कर रखी है, यहाँ पर मम्मी ने पूरी राई लगा रखी है हरी सब्जी वगैरह। एंड गाइस मैं तो कल आ गया था बट कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था, इसलिए कल मेरे को ना ब्लॉग शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिलहाल कल मैंने पूरा रेस्ट किया एंड आज मैं पूरा एक्टिव हो गाइस फुल जोश के साथ। एंड दीदी मेरे आने से पहले पूरा मंदिर सजा रही थी एंड कल उसका मंदिर फाइनल हो चुका है, आई थिंक कल रात भी वो काम ही करने में थी। दीदी ने मंदिर में कुछ इस तरीके का डिजाइन कर रखा है एंड अभी इसमें मूर्ति वगैरह लगेंगी सब साफ होके, काफी प्यारा लग रहा है मंदिर। गाइस यहाँ पर हरी सब्जी बन चुकी है जो बाहर आपको खेत में दिख रही थी ना, यहाँ पर मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, यहीं से पापा को सप्लाई हो रही है गरम गरम रोटियां। तो फिलहाल मैं भी नहा लेता हूँ, फिर मैं भी ब्रेकफास्ट करता हूँ, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स अदर थिंग गाइस। गाइस नाश्ता खाना पीना सब चीज हो चुका है एंड अभी मैं बना रहा हूँ दही, क्योंकि गाइस ये सब इनकम्प्लीट हो रही है एंड दीदी मंदिर से जा रही है तो ये सब छूट जाएगा। मम्मी एक्स्ट्रा काम कर रही है कुछ कपड़े वपड़े धोने का, तो फिलहाल बनाते हैं एंड चेक कराते हैं आपको कि मैंने कैसी दही बनाई। आई थिंक 2 से 3 घंटा लग जाएगा इसमें। पहले इसमें पूरी ऐसे चारों तरफ से बाउंड्री बना दो इसकी। अच्छा, तो दीदी बता रही है कि पहले बाउंड्री बनानी है। गाइज यहाँ पर मैंने आउटलाइन कर दी है एंड मस्त आउटलाइन लग रही होगी। यहाँ पर लक्कू भाई बना रहे हैं गाइज, लक्कू भाई की दहली ये है, यहाँ पर दीदी बना रही है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी बेस्ट है, तो सब लोग बना रहे हैं, 3-4 घंटे बाद आपको दिखाते हैं। क्यों दीदी? गाइज मेरा बीच वाला डिजाइन तो पूरा कम्प्लीट हो चुका है एंड कमेंट करके बताना कैसी मैं दहली बना रहा हूँ। एंड अभी ये साइड का सारा मैंने कवर करना है। दीदी भी गाइज यहाँ पर आश्चर्यजनक है कि भाई मैं इतनी अच्छी दिल्ली कैसे बना सकता हूँ। गाइज मैंने अपनी दिल्ली कंप्लीट कर ली है। मैंने यहाँ पर गाइज लक्ष्मी माता जी के पैर बना रखे हैं और इधर से बना रखा है हाथी, नीचे से थोड़ा सा ग्रासलैंड बना रखा है। एंड पता नहीं है अच्छी लग रही है नहीं लग रही, बट कमेंट करके बताना गाइज, पहले एक्सपेरिमेंट कर रखा है मैंने ऐसा। सो गाइज पापा भी आ चुके हैं ड्यूटी करके एंड हेयर इज पापा। आज धनतेरस है तो पापा धन लेके आ रखे हैं, अभी मम्मी जाएगी गाइज शॉपिंग करने के लिए एंड मैं भी जाऊंगा मम्मी के साथ, थोड़ी बाजार की चहल पहल देखेंगे। एंड इस बार पटाखों की दुकान डिग्री कॉलेज के बाहर से लगी है तो वो भी दिखाऊंगा। एंड हाथ देख रहे हो अभी मैंने गाइज साफ ऑफ नहीं किया क्योंकि गमले भी पेंट करने बाकी हैं। एंड दीदी दीदी तो अभी अंदर कर ही रही है गाइज, कल आई थिंक आज सारा काम निपट जाएगा एंड कल आपको दिखाएंगे घर की सजावट पूरी की पूरी। एक चीज़ हमारे वहाँ ना लक्ष्मी पूजा नहीं होती बस, बाकी दिवाली तो हम बनाते ही हैं, लाइट नहीं लगती,
बाकी अंदर साफ सफाई डेकोरेशन वगैरह पूरी चलती है। क्यों पापा? सफाई तो अपने लिए है। सही बात गाइज, मैंने सारे गमले ही पेंट कर दिए एंड अभी सूखने में टाइम लगेगा, तो फिलहाल अंदर चलते हैं। सो गाइज, सारे काम हो चुके हैं एंड अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी मार्केट जाने के लिए। धनतेरस है ना गाइज, तो धन तो पापा ने दे दिया है एंड तेरस बनाना बाकी है, मतलब शॉपिंग करनी। तो मम्मी को पता है क्या क्या लेना है। मम्मी क्या क्या लोगे घर के लिए? मंदिर के लिए फोटो लानी है, घर के लिए क्या लेना है कुछ ले आएंगे जो मन आएगा। हाँ, बाकी दीदी का ट्यूशन है अभी, मतलब पढ़ाना है इसने, तो फिर ये तो नहीं आएगी। तो फिलहाल मैं मम्मी जाते हैं एंड दिखाते हैं आपको मार्केट की चहल पहल। गाइस जैसे बाहर जाने की सोची, मम्मी भी तैयार हो चुकी थी, मैं भी तैयार हो चुका था, बट गाइस बारिश ने सारा सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। ये देखो भाई, बारिश पड़ रही है यहाँ पर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि धनतेरस के दिन ही बारिश आ रही है ना मम्मी? पहले रक्षाबंधन में आती थी, सिर्फ रक्षाबंधन में, हर त्यौहार में मतलब रक्षाबंधन में आती थी हर साल, बट इस बार दिवाली पे भी बारिश ने यहाँ पर खराब कर दिया सारा। मैं तो सोच रहा हूँ यार, जिन्होंने बाहर पटाखों की दुकान लगाई होगी उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो इसको रुकने का वेट करते हैं थोड़ी देर। गाइस बारिश रुक चुकी है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ को। मम्मी भी आ चुकी है। मम्मी बारिश आ गई फिर से तो? नहीं आ सकती है, मौसम तो बना है। तो गाइस अभी निकल रहे हैं हम लोग। गाइस मार्केट में तो भयंकर भीड़ हो रही है आज। गाइज हम आ चुके हैं शॉपिंग करके, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रखी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, होती है वो तो दिवाली पे, लेकिन बारिश फिर से आ चुकी है। जैसे हम आए थोड़ा थोड़ा भीग चुके हैं, बट अभी बूंदाबांदी चली रही है बाहर। एंड मम्मी क्या क्या लिया हमने? झाड़ू लिया, थोड़े फल फूल लिए, मोमबत्ती दिया वगैरह है ना। बाकी गाइज भीड़ भाड़ में जाना नहीं था, मम्मी के पैर में चोट लग रही थी इसलिए भीड़ से हम लोग बच बच के चल रहे थे एंड अभी आ चुके हैं। एंड गाइज अभी मैं जा रहा हूँ स्पेशल जगहों में, अम्मा जी का बर्थडे है हमारी, एक बचपन से मैंने अपना ज़्यादा टाइम वहीं गुजारा था, है ना मम्मी? मतलब मैं क्या करता था, जैसे घर वालों ने कुछ डांटा मुझे, मैं अपने कपड़े भी नहीं लेके जाता था, कपड़े नहीं थाली, एक थाली लेके जाता था, हैं, अपनी थाली लेके जाता था खाना खाने के लिए, और नहाना धोना सब वहीं भाई, और एक एक हफ्ते में आता था मैं वहां से। तो फिलहाल आज उनका बर्थडे, आज मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, तो अभी केक वगैरह लेके जाते हैं एंड करते हैं सेलिब्रेट। अम्मा को लग रहा होगा भाई, उन्होंने मुझे कल देख लिया था, उनको लग रहा होगा कि वो नहीं आएगा शायद, बट मैं उनको सरप्राइज दे रहा था एंड मैं सुबह से काम भी कर रहा था यहाँ पर, तो अब उनका ऑफिस है, ऑफिस से 5 बजे छुट्टी हुई होगी, अभी वो आई होंगी, तो अभी जाते हैं मस्त एंड केक वेक कटा के आते हैं। चाची जन्मदिन मुबारक हो। सो गाइस हम आ चुके हैं अम्मा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एंड हियर इज अम्मा। अम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। अम्मा कितने साल के हो गए? 54 की हो गई आज से। तो अम्मा के अभी हैं गाइस 7-8, कितने 6 साल, 6 या 7 साल होंगे अभी ड्यूटी के। तो फिलहाल केक कट करवाते हैं जल्दी से। हैप्पी बर्थडे टू यू, काटो अम्मा काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो यार तुमने मुझे इस लायक सोचा, तुमने मेरा बर्थडे बनाया, खुश खुश जियो। अरे कोई नहीं, लंबी उम्र हो तुम्हारी भी और आते रहना रोज, बर्थडे बनाते रहना। हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद बहुत बहुत। सो गाइस मैं आ चुका हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करके अम्मा का एंड इनके लिए भी केक और मिठाई लेके आ रखा हूँ, तो इनको देते हैं और थोड़ा सा सेलिब्रेशन का हिस्सा ही नहीं बना लेते हैं। ये लो मम्मी केक खाओ। धन्यवाद अम्मा ने भेजा। हाँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने किचन पे एंड मैं चिकन लेके आया था, आज इनको अपने हाथ से चिकन बना के खिला रहा हूँ मैं। तो अभी बाहर से एक पार्सल आ रखा है, एक्चुअली ये दिवाली का टाइम है एंड हमारी दिवाली नहीं होती एंड पापा फॉरेस्ट में जॉब करते हैं, जितने भी ऑफिस में मैडम सर होते हैं सीनियर लोग वो मिठाई देते हैं पापा को। तो अभी एक एक डिब्बा रखा है गाइस, इसे खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस अनबॉक्स हो चुका है एंड इसके अंदर से निकालते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये देखो भाई क्या आ रखा है इसके अंदर, पैकेट आ रखे हैं इसके अंदर। ये रसगुल्ले का डिब्बा एक आ रखी गाइस, ये वाली नमकीन एंड किसी को मिठाई लेके आनी होगी आ जाना, फोन कर देना या फिर मैसेज कर देना, मैं घर पे मिलूंगा आपको गाइस। सो गाइस खाना पीना फुल हो चुका है, तो मम्मी के ना पैर में यहाँ पर चोट लग रही है, तो मैंने अभी यहाँ पर ड्रेसिंग कर दी है, अभी बहुत लाइट पट्टी बांध रखी है रात को ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो, फिर सुबह चेंज कर दूंगा इसको। एंड बाकी अभी गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी होप्स हो कि आपको आज का नॉर्मल सा व्लॉग धनतेरस का काफ़ी अच्छा लगा होगा। कल छोटी दिवाली है, परसों दिन बड़ी दिवाली है गाइस, तो आप सबको एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।